हरिओम बच्चों, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो। कहने का मतलब यही है कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे हम न कर सकें, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। जीवन में संयम, सदाचार, प्रेम, सहिष्णुता, निर्भयता, पवित्रता, दृढ़ आत्मविश्वास, सत साहित्य का पठन, उत्तम संग हो तो हमारे लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तब और भी आसान हो जाती है जब हमें जीवन में सच्चे सद्गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है। हमारा कर्तव्य तब बस इतना ही रह जाता है, जो गुरु आज्ञा हो, जो भी अच्छा बुरा हमारे जीवन में घटित हो, उसमें अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क ना करके हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है कहकर गुरु इच्छा में पूर्ण सहमति मिला दें। क्योंकि हमारा भला जितना हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, उसका आधा भी ना हम खुद कर सकते हैं ना ही कोई अन्य। बच्चों, हमारा आज का विषय भी यही है, गुरु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, गुरु प्रार्थना। तो चलिए बच्चों, गुरु प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। संसार रूपी भवसागर में फंसने पर जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिन्होंने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। ओमकार गुंजन। जैसे पृथ्वी में जो भी बीज डालोगे वैसा ही फल मिलता है, ऐसे ही इस ओमकार मंत्र का जप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। करते हैं अब ओमकार गुंजन। Oh.
किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता एकाग्रता का परिणाम है। कला, संगीत, शिक्षा, भगवत प्राप्ति, हर जगह उन्नत होने के पीछे एकाग्रता ही काम करती है। और एकाग्रता प्राप्त करने का उत्तम से भी उत्तम साधन है त्राटक। सुमिरन करता रहूंगा, गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरन करता रहूंगा, गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। कष्ट पड़े जीवन में गुरुवर कष्ट निवारते, दौड़ चली आते दुख हारी जब जब भक्त पुकारते। शरणागत मैं हूँ गुरुवर का गीत उन्हीं के गाऊंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरन करता रहूंगा। मंत्रोच्चारण, जैसे पानी की एक बूंद को बाष्प बनाने से उसमें 1300 गुनी ताकत आ जाती है, वैसे ही वैदिक मंत्रों को जितनी गहराई से जपा जाता है उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो आइए हम भी करते हैं इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्राणायाम, बच्चों आज हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। लाभ, ये प्राणायाम अग्नाशय को प्रभावित कर पाचन प्रणाली को सक्रिय करता है। अग्निसार क्रिया करो। अग्निसार क्या है? वज्रासन में बैठ गए, मैं बैठ के दिखाता हूं, घुटनों के बल बैठ गए ऐसे, और श्वास बाहर निकाल दिया और पेट को पीठ के तरफ अंदर खींचा, ऐसा 100 बार पेट अंदर जाए, बाहर कम अंदर ज्यादा, इसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। बुढ़ापे में भी आपका पाचन अच्छा रहेगा। पाचन कमजोर होता है तो कच्चा रस बनता है और कच्चे रस से सब बीमारियां भी बनती। अग्नि मांद्य बीमारियों का घर है, और जितना पाचन की शक्ति उससे थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो आम बनता है, कच्चा रस बनता है, जिसे उपवास भी हितकारी है। नींबू
रोगों को, नींबू तुलसी रोगों को भगाने में बड़ा काम करता है। तो इस श्वास बाहर निकाल दिया। सुविचार। आज का सुविचार है, सत्य के आगे अपने यश या धन का घात हो जाए तो परवाह नहीं, लेकिन सत्य का घात नहीं होना चाहिए। जो सत्य का घात नहीं करता है, सत्य उसका भी घात नहीं होने देता है। कहानी, गुरु नानक जयंती, 19 नवंबर। बच्चों, 19 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा को है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष का प्रभु प्रेम, उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। बच्चों, हम वो व्यक्ति चंदू बढ़ई के पास गया तो चंदू बढ़ई अर्थी बना रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ये अर्थी किसके लिए बना रहे हैं? चंदू बढ़ई, मेरा बेटा मर गया है, उसके लिए बना रहा हूं। व्यक्ति, गुरु नानक जी तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आपका बेटा कैसे मर गया? चंदू बढ़ई, गुरु साहब की यही इच्छा थी। गुरु साहब की ऐसी कैसी इच्छा? जो गुरु साहब की इच्छा होगी वही होगा, इसमें क्या है? आप तो गुरु को इतना मानते हैं, फिर भी आपका लड़का दुर्घटना में उस पर रथ का पहिया चढ़ गया और वो मर गया। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे किसी पराए का बेटा मरा हो। पराया और अपना ये सब मन की कल्पना है। तुम पूछना क्या चाहते हो ये बताओ। अब मैं क्या पूछूं? आप ही बता दीजिए। और तो मैं क्या बताऊं? तुम्हें 8 दिन में फांसी लगने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अच्छा गुरु खोजने चला था और आप कह रहे हैं कि 8 दिन में फांसी लगने वाली है? गुरु साहब की यही मर्जी है। गुरु की मर्जी से 8 दिन में मुझे फांसी लग जाएगी? हाँ, मैं नहीं मरूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति भागता भागता जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अपने गांव में रहूंगा तो ही फांसी लगेगी, इस जंगल में मुझे कौन फांसी पर चढ़ाएगा। दिन भर चलता और रात को आराम करता। इस तरह करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन वो एक पेड़ के नीचे लेटा तो उसे नींद आ गई। आधी रात को कुछ चोर राजमहल में चोरी करके वहां से जा रहे थे। उन्होंने अपना सारा सामान बांट लिया, केवल एक माला बाकी रह गई। उन्होंने सोचा कि बंटवारे के लिए इस माला को क्यों तोड़े? इस पेड़ के नीचे कोई योगी सो रहे हैं, क्यों न ये माला उन्हीं को भेंट चढ़ा दें? चोर उस व्यक्ति के गले में माला डालकर चले गए। वो माला राज परिवार की थी। पीछे से राजा के सिपाही आए। राजा की मोतियों की माला देखकर सिपाहियों ने उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास ले जाकर कहा, सारा माल इसी के पास है, किंतु ये बताता नहीं है। राजा, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तब उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया। तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा चंदू बढ़ई से मिलने की है, क्योंकि उसी ने मुझे बताया था कि 8 दिन में मुझे फांसी लगने वाली है। चंदू बढ़ई को बुलाया गया। चंदू बढ़ई नानक जी के भक्त हैं। वो व्यक्ति चंदू बढ़ई के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कुछ भी करके मुझे इस संकट से बचा लीजिए। चंदू बढ़ई ने कहा, गुरु साहब से प्रार्थना करो, उनकी मर्जी होगी तो आप बच जाओगे। वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगा। इतने में ही गुप्तचर सूचना लेकर आए कि असली चोर पकड़े गए हैं। राजा, उस निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा से उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। सीख, जो गुरु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं, उनके द्वारा भी प्रकृति ऐसे ऐसे कार्य करवा देती है कि लोग दंग रह जाते हैं। और बात अगर गुरुमुख से निकली हो तो कहने पर आधारित प्रश्न आपसे सत्र के अंत में पूछे जाएंगे। उन्नति की उड़ान।
बिना लक्ष्य का जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आप हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का ऊंचा लक्ष्य बनाकर उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम द्वारा उसे पूर्ण करो। साखियां। बच्चों, अब हम गुरु नानक देव जी की लिखी कुछ साखियां सुनेंगे। पूरा प्रभ आराधिया पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं। फिरत फिरत प्रभ आया परिया तौ शरणाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। भजन। चलिए बच्चों, अब एक प्यारा सा भजन गाते हैं। संत कनिंदक महत्यारा, संत कनिंदक महत्यारा। गुरु नानक देव कहते हैं जिनकी जयंती आ रही है पूनम को, गुरु नानक जयंती। संत कनिंदक महत्यारा, निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी पूजे नाश, निंदक की कभी पूजे नाश। संत का निंदक सदा हो निराश, संत का निंदक सदा हो निराश। संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक अंतर का थोथा, संत का निंदक अंतर का थोथा। अंतर का थोथा माने जैसे खेतों में पुतले बनाते हैं लोग फसल तैयार होने पर, बाग तैयार था ले पुतड़ा बनाता हो, हिंदी भाषा में उसको बिजू का बोलते हैं। बेवांस होए उबान एका धाड़ो वांस, अंदर घास भरे बारती कपड़ा पहरा भी दो, लगे के कोई आदमी खड़ा है, पशु पक्षी ना है, पर अंदर कचरा और घास भरा हुआ। ऐसे ही उसका जीवन है जो निंदक है संत का। गुरु नानक कहते हैं संत का निंदक अंतर का थोथा, संत का निंदक अंतर का थोथा। जैसे सांस बिन मृतक की लोथा, जैसे सांस बिन मृतक की लोथा। संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक महत्यारा।
दशवदन नीति शास्त्र कहते हैं। परवादे दशवदन माने जो निंदा करने वाला है वो निंदा करते समय रावण की तरह दस मुंह वाला हो जाता है। परवादे दशवदन, दस मुख है वो, हर तरह से संत के महापुरुष के विरोध में लग गया। परवादे दशवदन पर रंध्र निरीक्षणे सहस्त्राक्ष, दूसरों के संत के दोष देखने में मानो वो सहस्त्राक्ष हजार आंख वाला हो जाता, दोष ही दोष देखता। परवादे दशवदन पर रंध्र निरीक्षणे सहस्त्राक्ष, सदव्रत वित्त हरणे बाहु, दूसरों के धन का अपहरण करने के लिए वो हजार बुझाओं वाला हो जाता, हजार बुझाओं वाला। ये भी ले लू, इसका ऐसे शोषण कर लू, इसका ऐसे सहस्त्रार्जुन पिशुनहा। परंतु ऐसे आदमी की गति भी रावण और सहस्त्र बाहु की तरह ही होती है। की क्या गति, संत कनिंद गतिविधि। बच्चों, आज की गतिविधि में हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको बड़ी ही सूझबूझ के साथ देना है। सवाल है, एकता आज स्कूल गई है, वो अपनी क्लास में बैठी है और क्लास टीचर सभी से प्रश्न पूछ रही है, परंतु जब एकता का नंबर आता है तो शिक्षक के प्रश्न पूरा करने से पहले ही उसने जवाब दे दिया। उसमें एकता को 10 में से 5 अंक मिले। सही जवाब देने के बाद भी उसे 5 अंक ही क्यों मिले? क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? सोचिए, सोचिए। जवाब, बिल्कुल सही। एकता को ज्यादा बोलने की आदत थी, इसलिए वो अपनी वाणी पर संयम न करके कुछ भी बिना सोचे समझे बोलती है। उसकी इसी चेष्टा की वजह से उसे अंक कम मिले। सीख। बच्चों, ज्यादा बोलने से हमारी शक्ति कम होती है और हमारी बात भी जल्दी कोई सुनता और मानता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा कम, सारगर्भित और हितकर बोलना चाहिए। ये वीडियो सत्संग। सभी बच्चे जीभ तालू में लगाएंगे क्योंकि अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का। जीभ तालू में लगाकर सुनने से सुनी हुई चीज हमें अच्छे से याद रहती है। धन भागी रहे होंगे वे लोग नानक जैसे, अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है और 12 बजे हैं, माने दरवाजे की दरार से दस्तक देते हुए देखा कि बेटा बैठा है, आंसू बहाता हुआ मेरा 16 वर्ष का लाल बैठा है। माने का बेटा नानक अब सो जा। लोग सो गए, पक्षी घोंसलों में आराम फरमा रहे, पशु पक्षी और परिंदे भी आराम कर रहे हैं। बेटा तू कब तक बैठा रहेगा उस रब के आगे, सो जा। नानक ने दरी बिछाई, सिराना उठाया, दरी पर रखा, लेटने की तैयारी ही करता है तो पपिया ने कहा पिहो पिहो पिहो। नानक ने सिराना उठाकर कोने में रख दिया, फिर पलथी मार कर बैठ गया। प्रभु का प्यासा। माने का बेटा क्या करता? बोले माँ, पपिया अपने पिया को पुकारता है तो मैं अपने पिया को भूलकर कब तक सोता रहूंगा, शमशान में तो सदा सोना ही सोना है।
16 वर्ष 6 महीना और 15 दिन की उम्र थी। उस दिन की बात, 30 वर्ष 6 महीना और 15 दिन जब हुए, उनका रोना, उनका पुकारना, उनका गुनगुनाना जिससे होता था उस परमेश्वर का प्रागट्य हो गया। गुरु नानक के पास बाबर आया आशीर्वाद मांगा, फकीर हमारे घर पैर घुमाओ। फकीर घर गए, नानक को बाबर ने जय वो अपनी दारू की प्याली भर के दे दी। नानक जी कह रहे हैं, भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डुबा रहे दिन रात। हमने तो नाम का नशा लिया है, तेरी बोतल का नशा हमें नहीं चाहिए, तुझे क्या मांगना है। बोले बाबा दुआ करो, हिंदुस्तान में वैसा वैसा राज्य है, मैं हिंदुस्तान में दिल्ली का शासन बन जाऊं। बोले अच्छा ठीक है, रब को याद करना अल्लाह को। वो बन गया शासक बाबर, और बाद में दहशत जमाने के लिए इधर से फलाने चले, इधर से अपने वाले चले, धपने वाले चले, और कईयों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। जब नानक के कान बात पहुंची, नानक ने कहा कि अरे कुपात्र को आशीर्वाद दे दिया, मैंने बड़ी गलती की, मेरे को सजा भोगनी चाहिए। देख लो संत के विचार। नानक ने कहा अपने को भी जेल में जाना चाहिए। तो नानक भी सड़क से ऐसे वैसे जहाँ गैर कानूनी था हिंदुओं के लिए चलना, वहाँ से नानक चले, नानक को पकड़ के जेल में धकेल दिया बाबर बादशाह के आदमियों ने। नानक जी जेल में गए और सारे कैदियों को बोला कि ये जेल एक तो माता पिता की माँ के गर्भ की जेल होती है, दूसरी को कर्म करते हो तो यमराज की जेल होती है, और तीसरी ये सामाजिक जेल होती है। सामाजिक जेल तो देखने भर को है, वो खतरनाक जेल है, उन खतरनाक जेल से बच जाओ, इस जेल का उपयोग करो। नानक ने वहाँ कीर्तन और भजन शुरू कराया, लोगों ने बुला के अच्छा हुआ कि हम जेल में आए, सत्संग तो मिला। जेल में बैठ के भी सत्संग मिलता है तो सौदा अच्छा है, मैदान में बैठ के मिला तो क्या घाटा है। फिर लोगों का दुख तो दूर हो गया, उनको दबोचना चाहता था बाबर, लेकिन सत्संग मिल गया तो कौन दबेगा, हौसला बुलंद हो गया। तो गुप्तचरों ने बताया कि एक फकीर आया है, उसको नानक नानक बोलते हैं, और सारे बंदे निर्भय हो गए ना। गुरुद्वारे के जो है ना अकाली या और भी जो सत्संगी हैं सरदार भाई, आपको मजा आता है ना ये गुरुवाणी सुन के, गुरुदेव की बात सुन के, आहो जी आहो बाबा सांदी गाल कर देसी। किसी ने कहा कि जाके बाबर को बताया, बाबर ने कहा नानक जी, फिर संदेशा पूछवाया कि सचमुच ये फकीर अंदर है। बोले हैं। नानक ने बोला कि बोल देना कि वही नानक जहाँ जिससे आशीर्वाद लेके तुमने राज किया था, वही तुम्हारे जेल में तुमको याद कर रहा है। बाबर आया और बाबर को नानक जी ने एकदम नगद सुना दी, रोकड़ी करी खोटी सुना दी। बाबर ने माफी बापी मांगा, बोले अच्छा ठीक है, जो हुआ ये सब रब की लीला है। बाबर की बबरता ने उस वक्त भी बबरता की, और फिर वो राम मंदिर के जगह पर अपनी बाबरी ठोककर करोड़ों मुसलमानों को और करोड़ों हिंदुओं को परेशान करने का कुकृत्य तो अभी भी हम लोग सहन कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का चुटकुला, अब बारी है हंसते मुस्कुराते कुछ सीखने की, मतलब ज्ञान भरे चुटकुले की। पिंकी। माँ माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं, माँ गुस्से से कहती है। मोबाइल में समय बिगाड़ना छोड़ दे। सीख। हमें सदैव आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना चाहिए, उनमें अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। समय बहुत कीमती है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कूदना। बच्चों क्यों ना आप थोड़ी कूदा कूद कर शरीर में चुस्ती और फुर्ती भर ली जाए, तो सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम पंजों के बल कूदेंगे। पंजों के बल कूदने से सुषुम्ना का द्वार खुलता है और आलस्य निद्रा भी दूर हो जाते हैं।
संस्कृत के श्लोकों का पठन। सभी बच्चे अब आराम से बैठ जाएं और सांसों को सामान्य होने दें। अब हम संस्कृत के कुछ श्लोक उच्चारण करेंगे। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य दुर्जनस्य सुभाषितम्। अर्थात अभ्यास के बिना विद्या विष है, अजीर्ण में भोजन विष है, दरिद्र के लिए सभा विष है और दुर्जन के लिए मधुर वचन विष है। नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपुः नास्ति दारिद्र्यवद् दुःखम् नास्ति ज्ञानात् परम सुखम्। अर्थात लोभ के समान कोई व्याधि नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान यानी आत्मज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। बच्चों, ये दोनों श्लोक आपको याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। ज्ञानवर्धक पहेली। अब समय है आपसे पहेली पूछने का, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। आज की पहेली है, कार्तिक पूर्णिमा को किसका हुआ था धरती पर अवतार, सिख पंथ के प्रथम गुरु वो जिनका जग करता जयकार। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। शीत ऋतु का समय स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से शरीर को बल प्रदान करने वाला और रोग प्रतिकारक शक्तियों का विकास करने वाला होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए आयुर्वेद के कुछ ऐसे असरदार नुस्खे लाए हैं जो बल व पुष्टि के खजाने से भरपूर हैं। पहला प्रयोग। 10-15 ग्राम चावल की मांड में एक खजूर महीन पीसकर मिलाएं। बच्चों के लिए ये उत्तम पौष्टिक आहार है। दिन में 2 बार उन्हें पिलाने से दुर्बल सूखे शरीर वाले बच्चे हृष्ट पुष्ट बनते हैं। दूसरा प्रयोग। शीतकाल में मूंग की दाल के लड्डू खाने से लाल रक्त कणों की वृद्धि होती है। ये स्फूर्तिदायक और वीर्यवर्धक भी हैं। तीसरा प्रयोग। 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, उससे 2 गुनी मिश्री व शहद तथा 10 ग्राम देशी गाय का घी, इन चारों को मिलाकर सुबह शाम लेने से बल व वीर्य की वृद्धि होती है और शरीर शक्तिशाली बनता है। चौथा प्रयोग। 5 चम्मच ग्वार पाठे का ताज़ा रस, 2 चम्मच शहद और 1/2 नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम पिएं। ये प्रयोग शरीर को शुद्ध व निरोग करके सशक्त बनाता है। पांचवा प्रयोग। तिल और पुराना गुड़ समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बना लें। पाचन शक्ति के अनुसार दिन में 1-2 लड्डू खाने से याददाश्त तथा शारीरिक शक्ति बढ़ती है, दांत व हड्डियां मजबूत बनती हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। और हाँ, सूर्यास्त के बाद तिल का सेवन वर्जित है। छठा प्रयोग। 5 खजूर पानी में उबालें एवं उसमें 6 ग्राम मेथी दाने का चूर्ण डाल के पिए, इससे कमर दर्द में लाभ होता है। खेल। आज का खेल है लोटा दौड़। जी हाँ, इस खेल में बच्चों के सिर पर पानी से भरा लोटा रखा जाएगा और बच्चों को अपनी एकाग्रता दिखाते हुए लोटे को बिना गिराए आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ध्यान रहे कि बच्चों को दौड़ते हुए लोटे को छूना नहीं है और जो बच्चा बिना लोटा गिराए सबसे पहले ये दौड़ पूरी करेगा वो विजेता होगा। गृह कार्य। अब बताते हैं आपको इस हफ्ते का आपका गृह कार्य यानी होमवर्क। इस सप्ताह सभी बच्चों को पूज्य बापूजी का कोई भी एक विद्यार्थी विशेष सत्संग सुनना है। उसमें पूज्य बापूजी ने जो प्रयोग करने के लिए कहा है वो आपको करना है और सत्संग के मुख्य बिंदु आपको अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिखकर लाना है। प्रश्नोत्तरी। समय है प्रश्नोत्तरी का।
कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, गुरु की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने से क्या होता है? दूसरा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, बाबर ने गुरु नानक देव जी से क्या मांगा? दूसरा, गुरु नानक देव जी को किस उम्र में आत्म साक्षात्कार हुआ? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। सत्र का समापन। अब हम आरती करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतुमे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती आपकी भव से है तारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति मन में बसा के गुरु मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर गुरु कृपा ही पापों को संहारती। गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। देव दंज यक्ष मनुज सबकी भावना जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी
तेरी आरती, उतारों में गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारों में गुरुवर तेरी आरती, उतारों में गुरुवर तेरी आरती, उतारों में गुरुवर तेरी आरती, उतारों में गुरुवर तेरी आरती। स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाहीं। दीन दयाल को विनती सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ ओ, साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोह दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ ओ ओ, तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। जिह्वाया अग्रे मधुमे जिह्वा मूले मधुकम्, मम देह कृतावसो मम चित्तमुपायसी। अर्थात मेरी जिह्वा के अग्र भाग में माधुर्य हो, मेरी जिह्वा के मूल में मधुरता हो, मेरे कर्म में माधुर्य का निवास हो और हे माधुर्य मेरे हृदय तक पहुँचो। श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियाँ। प्राण गवाए
हम देवमानव हास्य प्रयोग करेंगे, भगवान नाम बोलते बोलते ताली बजाएंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर दिल को भगवत प्रेम से भरते हुए दिल खोल कर हंसेंगे। राम 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 हरि 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 आशा करते हैं बच्चों आपको आज का बाल संस्कार पसंद आया होगा। आपके जीवन को सद्गुणों से युक्त करना व ऊंचे में ऊंचे ध्येय परमात्म प्राप्ति की ओर लगाना ही हमारे प्यारे बाल संस्कार का परम उद्देश्य है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। हरिओम। पहेली का उत्तर है गुरु नानक जी।